ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में हम ऑक्सीजन एनालाइजर से ऑक्सीजन की प्योरिटी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन एनालाइजर से ऑक्सीजन की अगर प्योरिटी देखते हैं तो नॉर्मली हमारे पास जो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फंक्शनली हम अभी मानेंगे तो 82% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 82% से ऊपर होना चाहिए, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी स्टार्ट है, जैसे कि पहले ये बंद रहता है, ये चलना स्टार्ट करना है, पावर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। ये है फ्लोमीटर, ठीक है। ये फ्लोमीटर अभी कितने पर है? जीरो पर, ठीक है। इसी को हम सेट करेंगे तो एक पर सेट कर सकते हैं, दो पर सेट कर सकते हैं, तीन पर सेट कर सकते हैं, चार पर सेट कर सकते हैं, पाँच पर। ये 5 LPM का है, ठीक है। इसी प्रकार से 10 LPM का भी आता है, ठीक है। 10 LPM का आता है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें एक ही ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। 10 LPM का आएगा, दो ह्यूमिडिफायर आएंगे, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, ठीक है। या कहीं कहीं एक आगे रहता है, एक पीछे रहता है, या एक ऊपर रहता है, ठीक है। इस टाइप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहता है। साथ ही इसमें हमको अगर ऑक्सीजन एनालाइजर से यूज़ करना हो तो, ठीक है, सिलेंडर में हमको यहाँ से करना होगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में हमको जैसे इसका पाइपलाइन यहीं से लगा हुआ था, इसको हमको यहाँ से कनेक्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं से इसको पता कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे हाथ लगा के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन बाहर हो रही या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 LPM में किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन आ रही है, ये कंसंट्रेटर ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खासियत है क्या कि ये इन्वायरमेंट से हवा लेता है और उसको कलेक्ट करके इसमें जो प्योर ऑक्सीजन है उसको कलेक्ट करता है, जो अदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन वगैरह है उसको साइड पर रखता है, ऑक्सीजन को कलेक्ट करके एक टैंक में रख के हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पीएसए की टेक्नोलॉजी भी यूज, ये ऑक्सीजन एनालाइजर है, इसको हम कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सेट कितना तक एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होने के कारण ये इतना ही बता रहा है? हाँ सर, कैसे करते हैं कैलिब्रेट? सर इसी को दबा के पहले बंद कर दिया, ठीक है, इसी को किया चालू तो ये आ गया। अब इन्वायरमेंट में जितनी अपना ऑक्सीजन है 21% होता है, क्योंकि 20.5 बता रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा पूरा फेंक है, ठीक है। अब ये 5 LPM में है, उसको हम इसको यूज़ करेंगे, इसमें हमको 1 से 2 मिनट अगर लगा के देखेंगे तो देखो बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। ये कितना होना चाहिए तुमको पता है? 82 से, ठीक है। ये कितना जा रहा है? इसको हम कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट के अंतराल में उसको रख के देखेंगे, ठीक है जी। जब ऊपर नीचे या एक स्थिर लेवल पे आ जाएगा तब हम उसकी प्योरिटी कलेक्ट कर लेंगे। अब ये कहाँ पर रुका है? 1 मिनट में 90.34 पर रुक गया है, मतलब ये कितना ऑक्सीजन प्योरिटी दे रहा है? 90% ऑक्सीजन की प्योरिटी दे रहा है, मतलब ये 82 से अबव है और ये ऑक्सीजन पेशेंट को देने योग्य है, मतलब ये 90% हमको ऑक्सीजन दे रहा है। कितने पर दे रहा है? 5 लीटर पर, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम अगर इसको हम कम करते हैं तो हम देखते हैं कि कम में कितना ऑक्सीजन किसकी प्योरिटी है, ठीक है। अगर हम इसको अभी 5 पे ऑक्सीजन की प्योरिटी एनालिसिस चेक करिए, अब हम इसको 2 से देखते हैं, ठीक है। दो पर भी 89.8 दे रहा है, मतलब ये 2 लीटर पर LPM से भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तब भी, हाँ 82 से अबव है, मतलब इस पर हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1 पर भी देख सकते हैं, 1 पर इसका कितना प्योरिटी है? 1 पर भी 89.9% ऑक्सीजन प्योरिटी दे रहा है, ठीक है। एक बार आप करके देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार आप कर लीजिए, एक बार आप।